किशनगढ़ से लापता हुआ अभिषेक लौटा घर, पुलिस को मिली राहत की सांस। पुलिस ने कहा कि अफवाहों के चलते उपखंड में था हड़कंप। मदनगंज किशनगढ़, मामला था किशनगढ़ के अभिषेक राठौर की गुमशुदगी का। डीएसपी मोटाराम बेनीवाल और मदनगंज थाना प्रभारी जोगेंद्र सिंह ने बुधवार को पत्रकार वार्ता में मामले की जानकारी देते हुए बताया कि अभिषेक ना तो अपहरण हुआ था और ना ही किसी ने उसे बरगलाया था। अभिषेक कक्षा 10वीं का छात्र था। पढ़ाई में कम नंबर आने पर स्कूल से बाहर निकाले जाने के भय से घर छोड़कर चला गया था। अभिषेक जानकारी के अभाव में अजमेर से दिल्ली, दिल्ली से मुंबई, मुंबई से अहमदाबाद, अहमदाबाद से अपने ननियाल मणिनगर पहुंच गया, जहां से अभिषेक के सकुशल घर लौटने पर पुलिस ने उसका मेडिकल भी करवाया। पुलिस उप अधीक्षक मदनगंज थाना प्रभारी एवं किशनगढ़ शहर थाना प्रभारी अनूप सिंह चौधरी ने पुलिस की ओर से शहरवासियों से अपील कर बताया कि शहर में 10 दिन से बच्चा उठाकर ले जाने के गिरोह की अफवाहें फैल रही है। ये सब झूठी अफवाहें और निराधार अफवाहें ही है। कैमरामैन विशाल जारोड़िया के साथ मैं ओम प्रकाश नजवानी। 3 तारीख को घर क्लास से अभिषेक से लौट इंद्रेंद्र सिंह बच्चा 15 साल है, बैरल नगर का, इसकी ये गुमशुदा हो गया और इसमें अपनी मुकदमा दर्ज किया। मुकदमा के दर्ज करने के बाद में वर्त किशनगढ़ के थाना मदनगंज, थाना किशनगढ़ और गांधीनगर, इनकी एक विशेष टीम बनाई गई थी SHO मदनगंज के नेतृत्व में। टीम हमारी बराबर काम कर रही थी, सादे कपड़ों में भी थी। विशेष टीम के साथ साथ SHO किशनगढ़ और SHO मदनगंज बराबर इसकी काम कर रहे थे और जिस तरह से हमें इसके इनपुट्स मिल रहे थे, इनपुट्स के आधार पर ये बिलिंग बच्चा भी मिलता जैसा मंजे था। मैं बच्चा अपने एग्जाम का उसे प्रॉपर रिजल्ट दे नहीं पाया और जब एग्जाम स्टार्ट हुआ, एग्जाम स्टार्ट होने से पहले ही वो घर छोड़ के चला गया। 10 मीटर तो घूम कर मान करेंट से शायद वो वापस आ गया। क्या है सर? वो 1 तारीख को निकला था, दोपहर को 2:30 बजे 3 बजे अच्छा सर निकला था और से कुछ वापस घर आ चुका था। सर कोई चीज़ की परेशानी नहीं, हमें अपने नानी घर पहुँच चुका था और नानी घर से यहाँ पहुँचा। तो सर